कानपुर देहात मानो जिला प्रशासन से लोगों का भरोसा सा उठ गया हो। प्रशासन के ढुलमुल रवैये से तंग आकर एक महिला ने पुलिस के सामने तेल डालकर आग लगाने की कोशिश की। हालांकि महिला पुलिसकर्मियों की सक्रियता से महिला को सुरक्षित बचा लिया गया। दरअसल महिला का पड़ोसी से सार्वजनिक कुएं और रास्ते को लेकर विवाद चल रहा था। अपनी समस्या को लेकर महिला प्रशासनिक अधिकारियों की चौखट की कई दिनों से चक्कर लगा रही थी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई, जिसके बाद परेशान होकर महिला ने खुद को मार डालना ही उचित समझा। ये तस्वीर विचलित कर देगी, कोई कैसे इतना परेशान हो सकता है कि खुद को आग के हवाले कर डालता है। दरअसल ये परेशान महिला मीरा देवी है, जो पिछले कई महीनों से अपने पड़ोसी से कुएं और रास्ते के विवाद से परेशान चल रही है। कई बार पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों से न्याय की गुहार लगाई, लेकिन मीरा को नहीं पता था कि यहाँ कार्रवाई तब होती है जब या तो खुद समस्या खत्म हो जाए या शिकायत करता। कुछ ऐसा ही हुआ जब पुलिस और प्रशासन से न्याय मांगने पर पीड़िता ने खुद पर तेल डालकर पुलिस वालों के सामने आग लगाने का प्रयास किया। दरअसल पूरा मामला मीरा देवी का अपना पड़ोसी रचना से विवाद को लेकर है। कुएं और रास्ते के विवाद इतना बढ़ा कि उसने खुद को कमरे में बंद कर आग लगाने की धमकी दे डाली और कानपुर देहात में मां बेटी की मौत के बाद पुलिस प्रशासन हरकत में आ गया और दमकल की गाड़ी सहित पुलिस महिला के गांव पहुंच गई। फिर पुलिस के सामने घर में पेट्रोल डाल महिला बीच गांव में पुलिस के सामने आग लगाने की कोशिश करने लगी। उसके बाद पुलिस के अधिकारियों ने जब बीच बचाव किया, फिर महिला को काफ़ी समझाने के बाद महिला पूरी तरीके से संतुष्ट हो गई और फिर कुछ बोलने को तैयार नहीं हो रही है। पूरी तरह से पुलिस कार्रवाई से संतुष्ट है और जो हमने कोरिसिन डाला है वो हमारी गलती थी, मानसिक स्थिति अच्छी नहीं थी, इसलिए मैंने अपने ऊपर डाल लिया था, पर पुलिस कार्रवाई से हम पूर्ण तरह से संतुष्ट हैं। अभी आप कप्तान साहब से मिली हैं, उन्होंने क्या आश्वासन दिया है? आपने मुकदमा भी एक दर्ज करवाया जी। है क्या आश्वासन दिया है? उन्होंने आश्वासन दिया है कि आपको कभी भी किसी वक्त कोई भी समस्या हो आप हमें फोन कीजिए, हम आपकी समस्या का समाधान करेंगे। कार्रवाई संतुष्ट है जी। थाना मंगलपुर के ग्राम जहिलापुर में सार्वजनिक कुएं व रास्ते को लेकर एक विवाद जून माह से चल रहा था, जिसके क्रम में राजस्व व पुलिस की टीम द्वारा मौके पर जाकर समस्या का समाधान भी कराया गया था। दोनों पक्षों में से एक पक्ष की महिला द्वारा इस समाधान से असंतुष्टि व्यक्त करते हुए दिनांक 22 फरवरी को स्थानीय शासन को लिखित सूचना दी गई थी कि वे आत्मदाह कर लेंगी। सूचना का संज्ञान लेते हुए थाना मंगलपुर सीओ डेरापुर व मेरे द्वारा वहां पहुंचकर सुनियोजित तरीके से महिला के प्रयास को असफल कराया गया। उनको समझा बुझाकर थाने लाया गया व उनकी बात को पुनः सुना गया। थाने से उन्हें मेडिकल हेतु भेजा गया व मेडिकल के पश्चात उन्हें वन स्टॉप सेंटर भेज दिया गया है। स्थानीय स्तर पर कानून व्यवस्था की कोई समस्या नहीं है। VideoDesk AmarUjala.com डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।